नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट के ऊपर। यूनिट नंबर फर्स्ट हमने अपनी चल रही थी मेजरेबल सेट के ऊपर, हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, कुछ थ्योरम्स हम कर चुके थे, कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम देखी थी और मैंने बताया था काफ़ी चांसेस उसके एग्ज़ाम में आने के बनते हैं। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री की क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है, दो पेपर इस वक्त आपके चल रहे हैं, एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री चल रहा है और एक अपना रियल एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। तो एक बार इसी प्रकार से अल्टरनेट आपकी क्लासें रहेगी एक एक दिन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ में जैसे ही कुछ एग्जाम्स वगैरह हैं 15 या 16 अक्टूबर तक, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, फिर ये दोनों क्लास रोज चलेगी आपकी, ठीक है। और एक चीज़, नोट्स ज़रूर आप लें, विदाउट नोट्स आप नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें आप देखकर अगर नोट्स नहीं लेते हो तो ये आपकी एक गलती होगी सबसे बड़ी, ठीक है। तो नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें। और मैं बता देता हूँ, उसमें जो यूनिट आपको दी हुई है, जो यूनिट हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो उस नोट्स में यूनिट नंबर फर्स्ट है वो आगे दी हुई है, ठीक है। वहाँ नोट्स में सबसे पहले यूनिट नंबर 3 दी गई है, फिर यूनिट नंबर 4 है, फिर यूनिट नंबर 5 है, उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकेंड है, इस प्रकार से आपको नोट्सों में दी हुई है, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि यूनिट फर्स्ट सेकेंड उसमें नहीं है, बेफिक्र होकर आप पढ़ते रहें, क्लासें आपकी कंटिन्यू रूप से चल रही है, अल्टरनेट क्लासें आपकी लगती रहेगी 15 या 16 अक्टूबर तक, फिर आपकी रेगुलर दोनों क्लासें साथ साथ चलने लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ या जहाँ तक लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था वहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, आउटर मेजर के ऊपर, आउटर मेजर के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, काफ़ी बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, तो इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। मान लो कैपिटल ए आपके पास कोई रियल नंबर का सेट है, कैपिटल ए क्या है आपके पास, रियल नंबर का कोई सेट है, देन आउटर मेजर, देन आउटर मेजर डिफाइन एज एम स्टार ए। ध्यान रखना, आउटर मेजर अगर ए कोई रियल नंबर का सेट है तब आउटर मेजर किससे लिखा जाएगा, एम स्टार ए से लिखा जाएगा। ये इक्वल होता है इन्फिमम समेशन लेंथ ऑफ आई एन। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, जो आउटर मेजर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इन्फिमम समेशन एल आई एन। L क्या है यहाँ, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है, कौन से इंटरवल की, आई एन की। आई एन क्या है यहाँ, आपका काउंटेबल ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन है, वेयर वेयर आई एन इक्वल्स टू काउंटेबल ओपन इंटरवल्स। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को, आई एन क्या है, काउंटेबल ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन है आई एन, ठीक है। ए क्या है, रियल नंबर का सेट है। एल क्या है, लेंथ है इस इंटरवल की, ठीक है। इन्फिमम मतलब उस लेंथ में जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना इसमें एक कंडीशन, ये जो रियल नंबर का सेट होगा वो हमेशा कंटेन करेगा इस ओपन इंटरवल के यूनियन में। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि ए किसका सबसेट होगा, इस ओपन इंटरवल के यूनियन का सबसेट होगा। ये इसकी क्या होती है डेफिनेशन, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल से इसको प्रूफ करते हैं। आपको दिया हुआ है कैपिटल ए इक्वल्स टू ए, ठीक है, फाइंड आउटर मेजर, ठीक है। इसके लिए आपको आउटर मेजर फाइंड करना है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। मैं इसको ओपन इंटरवल के रूप में लिख लेता हूँ, यानी कि ए इक्वल्स टू, मैं इसको लिख लेता हूँ ए और ए। समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को, कहने का मतलब है ये एक इनके बीच में, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में स्थित है। ओपन इंटरवल क्या कहता है कि ये इन दोनों को कंटेन नहीं करता, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या कहता है, ये इन दोनों को कंटेन नहीं करता, इनके बीच में सारे के सारे इसके अंदर रहेंगे। इसका मतलब हो गया कि ये जो दो है वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गए, दोनों के दोनों इक्वल हो गए, ओपन इंटरवल यही कहता है।
कि ये दोनों क्या रहेंगे, इसके बाहर रहेंगे, इसके अंदर नहीं रहेंगे। अब देखना, मैं इस यहाँ से कुछ इसके बहुत सारे इंटरवल बना लूँगा, जैसे ए ए प्लस वन, ए प्लस, फिर वन से छोटा, फिर वन से और छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार ओपन इंटरवल्स में इसके ले लूँगा। तो एक ओपन इंटरवल में इस प्रकार लेता हूँ, लेट आई एन इक्वल्स टू ए ए प्लस वन अपॉन एन, ठीक है। ये मैंने एक ओपन इंटरवल, इसका एक इंटरवल उठा लिया। तो यहाँ से मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, एल आई एन इक्वल्स टू, तो इसकी लेंथ क्या होगी मेरे पास, ए प्लस वन अपॉन एन माइनस ए, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, वन अपॉन एन बचेगा, वेयर एन इक्वल्स टू वन टू थ्री डैश डैश इन्फिनिटिव। यहाँ भी लिख देना एन इक्वल्स टू वन टू थ्री डैश डैश इन्फिनिटिव, ये क्या होगा आपके पास, वन अपॉन एन इसकी लेंथ होगी। जब आप इस पे एन टेंस टू इन्फिनिटिव लिमिट अप्लाई करते हो तो एल समेसन एल आई एन आपको किसके इक्वल मिलेगा, जीरो, यानी कि ये किसके इक्वल होता है, एम स्टार ए के, तो एम स्टार ए आपको क्या मिलेगा, जीरो, यानी कि इसका एम स्टार ए जो आउटर मेजर है वो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो क्लियर हुई होगी डेफिनेशन आप सभी को, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई सेट है आपके पास रियल नंबर का कैपिटल ए, तब इसका जो आउटर मेजर होता है वो ओपन इंटरवल की लेंथ के इन्फिमम के इक्वल होता है, ठीक है। आपको इसका इन्फिमम कहाँ मिलेगा, इसका इन्फिमम आपको n बराबर अनंत पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब आप n बराबर एक लेते हो, इसमें पुट करते जाओ, n बराबर जब एक लोगे तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, टू रखोगे तो वन बाई टू, फिर थ्री रखोगे, फिर फोर रखोगे, फिर फाइव रखोगे, फिर सिक्स रखोगे, इस प्रकार ये चलता जाएगा। देखो ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार चलता जाएगा और n बराबर इन्फिनिटिव पे आपको क्या मिल जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा। जब आप इसका इन्फिमम लेते हो तो वो आपको जीरो, अनंत पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यानी कि इन्फिमम कहाँ होगा इसका, जीरो पे हो, सॉरी अनंत पे होगा, ठीक है। तो अनंत लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मतलब इसकी लेंथ आपको इन्फिमम कहाँ मिलेगी, वो एन बराबर अनंत पे मिलेगी। इसका इन्फिमम निकालना है, इन्फिमम क्या है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, जीरो है, तो जीरो क्या होगा, इसका आउटर मेजर होगा। आउटर मेजर किसके इक्वल होता है, इंटरवल की लेंथ के इन्फिमम के बराबर होता है, क्लियर है, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस आउटर मेजर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, और थ्योरम के रूप में हम उन प्रॉपर्टीज को प्रूफ भी करेंगे। तो एक बार उन प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आउटर मेजर, तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले तो एक चीज, एम स्टार ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, मींस ये नेगेटिव कभी नहीं जाएगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, नंबर एक कंडीशन। नंबर दो कंडीशन, इफ ए सबसेट ऑफ बी है, अगर आपको ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है, ए सबसेट ऑफ इक्वल टू बी दिया हुआ है, तब ध्यान रखना जो आउटर मेजर होगा वो एम स्टार ए लेस देन इक्वल्स टू एम स्टार बी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है, काफ़ी जगह हम इसका यूज में लेते हैं, इसको उपयोग में लेते हैं, कि साहब ए सबसेट ऑफ बी आपको दिया हुआ है, जब आप इसका आउटर मेजर निकालते हो, इसका और इसका, तो आउटर मेजर हमेशा किस प्रकार आएगा, एम स्टार ए लेस देन इक्वल्स टू एम स्टार बी आएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो एम स्टार ए यूनियन बी, ध्यान रखना हमेशा एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी होता है, मतलब ए यूनियन बी का जब आप आउटर मेजर लेते हो तो दोनों को अलग अलग लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी मिलेगा। नंबर चार प्रॉपर्टी देखना इसका, एम स्टार फाई इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। नंबर चार, एम स्टार ए इक्वल्स टू आपको मिलेगा एम स्टार ए प्लस एक्स, ये चीज़ पांचों की पांचों प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। एज इट इज प्रॉपर्टीज़ हम थ्योरम के अंदर काम में लेंगे और थ्योरम्स को हम प्रूफ करेंगे।
ठीक है, ये थ्योरम्स में सारी की सारी सबसे ज्यादा काम में ये प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, ये बहुत जगह काम में आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रॉपर्टीज को थ्योरम के रूप में हम सोल्व करते हैं। इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, जो स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है, आगे देखना, इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है, ये थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इफ ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट आर, देन प्रूव दैट नंबर एक एम स्टार ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नंबर दो है एम स्टार फाई इक्वल्स टू 0, नंबर तीन है इफ ए सबसेट ऑफ बी देन एम ए स्टार लेस देन इक्वल्स टू एम स्टार बी, नंबर चार आपको दिया हुआ है एम स्टार ए इक्वल्स टू 0 एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहले इसका प्रूफ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, और नंबर एक प्रूफ करते हैं। मैं मान लेता हूँ लेट ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर आर, देन वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ देन वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर वो क्या होती है, एम स्टार ए इक्वल्स टू इन्फिमम समेशन एल आई एन, ठीक है, ये आउटर मेजर की डेफिनेशन आपके पास होती है। इसको मैं इक्वेशन नंबर एक नाम दे देता हूं। अब देखना इस नंबर एक को हम प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए क्या है, कोई रियल नंबर का सेट है, कैपिटल ए क्या है, कोई रियल नंबर का सेट है। तब हम जानते हैं कि जो आउटर मेजर होता है वो इसके इक्वल होता है। जस्ट अभी अपन ने ये डेफिनेशन पढ़ी। अब सिंस हम जानते हैं इंटरवल की लेंथ हमेशा क्या होती है, या तो ग्रेटर देन होती है या 0 के इक्वल होती है। ये चीज हम जानते हैं कि किसी भी इंटरवल की जब हम लेंथ निकालते हैं वो हमेशा क्या होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, मींस 0 या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी, मींस ये लेस देन कभी नहीं होगा, या तो क्या होगा 0 होगा या क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। बस ये दो कंडीशन हो सकती है, तो यहां से मैंने ये कंडीशन लिख दी। अब आगे देखना, जब इसका आप समेशन मतलब उन सबको जोड़ लेते हो, उनका समेशन कर लेते हो, ठीक है, तो भी आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन ही मिलेगा, ठीक है, तो भी आपको यही कंडीशन मिलेगी। जब मैं इनका इन्फिमम ले लेता हूं, इन्फिमम समेशन एल आई एन, तब भी मुझे क्या मिलेगी, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये तीनों केस सही है कि लेंथ कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है सारी लेंथ, ठीक है, उसका समेशन भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, उसमें इन्फिमम भी कैसा होगा, वो भी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा ही होगा, नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं। बाय इक्वेशन फर्स्ट का यूज करता हूं, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं, एम स्टार ए पुट कर सकता हूं, तो एम स्टार ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही क्या है, मेरी नंबर एक प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नंबर दो प्रॉपर्टी का हम प्रूफ करते हैं। नंबर दो आपको दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं, मिटा दी गलती से, दोबारा लिख लेते हैं। नंबर दो प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, नंबर दो है एम स्टार फाइव इक्वल्स टू 0, नंबर तीन है इफ ए सबसेट ऑफ बी देन एम स्टार ए लेस देन इक्वल्स टू एम स्टार बी, नंबर चार है एम स्टार ए इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। नंबर एक प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर चुके हैं, नंबर दो प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है कि जो एम स्टार
फाई होता है वो कैसा होता है, हमेशा जीरो होता है, ये प्रॉपर्टी भी हमें प्रूफ करनी है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर सकते हैं, जस्ट अभी अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, उस एग्जाम्पल से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, तो देखना, लेट मैं आई एन ले लेता हूँ कोई ओपन इंटरवल्स का सेट ए और ए प्लस वन अपॉन एन फाई के इक्वल इसको ले लेता हूँ। क्लियर सभी को? तो एम स्टार फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इन्फिमम हो जाएगी। जो अभी जस्ट हम निकाल के गए हैं वो कितनी निकाली थी, इसकी वैल्यू हमने वन अपॉन एन निकाली थी, वन अपॉन एन निकाली थी, और वन अपॉन एन में जब इसका इन्फिमम लोगे तो वो आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो एम स्टार फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। इस प्रकार आप इस वाली थ्योरम को इजीली कर सकते हो, ठीक है। या जब इसको मैं पूरा सोल्व करना चाहूँ तो देखना, पूरा भी सोल्व कर देते हैं इसको, वही जस्ट एग्जाम्पल है, वही लिखना है। फाई सबसेट होता है हर एक सेट का, ये हम जानते हैं, ठीक है, कि फाई क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो एम स्टार फाई जब मैं इस पे लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू बन जाएगा, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए ए प्लस वन अपॉन एन। तो एम स्टार फाई लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से क्या लिखोगे, वन प्लस माइनस ए, ए से ए कैंसिल, तो एम स्टार फाई लेस देन इक्वल्स टू वन अपॉन एन, लिमिट लोगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एम स्टार फाई लेस देन इक्वल्स टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं ये लेस देन तो कभी हो ही नहीं सकता, लेस देन कभी नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एम स्टार फाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या होगी, आपकी नेक्स्ट थ्योरम कंप्लीट होती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नंबर तीन प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। नंबर तीन प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, दिया हुआ इफ ए सबसेट ऑफ बी है, तब हमें प्रूफ करना है कि एम स्टार ए लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी होगा। अब मैं मान लेता हूं लेट बी सबसेट ऑफ यूनियन आई एन, मतलब बी किसका सबसेट है, इसके यूनियन का सबसेट है। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है यूनियन का, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ यूनियन आई एन होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से मैं इस पे आउटर मेजर अप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एम स्टार ए लेस देन इक्वल्स टू, ये सबसेट है, सबसेट, ठीक है। तो जब भी आप आउटर मेजर अप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा, एम स्टार ए लेस देन इक्वल्स टू एम स्टार बी लेस देन इक्वल्स टू समेसन आई एन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, एम स्टार ए लेस देन इक्वल्स टू एम स्टार बी, यही क्या है, आपकी नेक्स्ट कंडीशन है। तो नंबर तीन प्रॉपर्टी भी आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये समेशन के साथ इन्फिमम भी ले लेना, ठीक है, ठीक है। ये जब भी आप इस पे आउटर मेजर लेते हो तो आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या कहती है, इन्फिमम समेशन आई एन। तो क्लियर होगा यहाँ तक सभी स्टूडेंट को? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लास्ट फाइनल वाली प्रॉपर्टी भी हम सोल्व करते हैं, जो नंबर चार की है अपनी, उसको भी देख लेते हैं। नंबर चार है इसमें, एम स्टार ए ए इक्वल्स टू जीरो आपको प्रूफ करना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे देखना, सिंस हम जानते हैं ए ए सबसेट होगा किसका, ए माइनस एप्साइलन ए प्लस एप्साइलन। कैसे होगा ये, कैसा है, क्लोज इंटरवल है, इस क्लोज को मैंने क्या बनाया, ओपन बनाया, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल इस ओपन इंटरवल में हमेशा कंटेन करेगा, ये हम जानते हैं। कैसे करेगा, ये नंबर नंबर लाइन में मानता हूँ, यहाँ ए है, यहाँ ए मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ ए है, ठीक है, तो इससे जस्ट पहले कौन सा होगा, ए माइनस एप्साइलन, इसके जस्ट आगे कौन सा होगा, ए प्लस एप्साइलन। मतलब ये ए कहाँ लाई करेगा, इस ए माइनस एप्साइलन और इस ए प्लस एप्साइलन के बीच में ही कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में। यानी कि ये पूरा क्लोज इंटरवल किसके अंदर होगा, इस पूरे ओपन इंटरवल के अंदर होगा, ये हम जानते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ आउटर मेजर, एम स्टार ए
तो ये किस में बदल जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू में बदल जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। और ये लेंथ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, इसकी लेंथ निकालते हैं तो एम स्टार ए लेस देन इक्वल्स टू, लेंथ क्या होगी, ए प्लस एप्सिलॉन माइनस ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ए से ए कैंसिल, तो एम स्टार ए ए लेस देन टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या था यहाँ आर्बिट्रेरी था, देन हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन टेंस टू जीरो। एप्सिलॉन जब आप जीरो लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, एम स्टार ए ए लेस देन इक्वल्स टू जीरो, लेकिन ये लेस देन तो हो नहीं सकता, लेस देन नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, एम स्टार ए ए इक्वल्स टू जीरो, यही क्या कहती है अपनी नंबर चार प्रॉपर्टी कहती है। तो ये एक थ्योरम और आपकी यहाँ कंप्लीट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है, सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है। एक बार में दोबारा पूरी की पूरी चीज़ें हमें कंप्लीट कर देता हूँ। नंबर एक प्रॉपर्टी अपनी कहती है एम स्टार ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। इसके लिए हम जानते हैं जो लेंथ है वो हमेशा कैसी होती है, ग्रेटर देन होती है। ठीक है, ये जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होती है, उसका समेशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, उसकी इन्फिमम भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब इन्फिमम समेशन आई एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम स्टार ए, तो इस प्रकार नंबर एक प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होती है। नंबर दो प्रॉपर्टी एम स्टार फाई इक्वल्स टू जीरो, फाई को सबसेट मान लेते हैं अपन ए और ए प्लस वन अपॉन एन के ओपन इंटरवल का, यानी कि ये फाई तो क्या होता है सभी में कंटेन करता है, तो उसमें कंटेन करेगा, आउटर मेजर अप्लाई कर देते हैं, आउटर मेजर अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ निकालते हैं, लेंथ क्या मिलेगी आपको, वन अपॉन एन, इन्फिमम कहाँ मिलेगा आपको, अनंत पे मिलेगा, अनंत पे इन्फिमम मिलेगा, मतलब वो क्या होगी जीरो, तो एम स्टार फाई इक्वल्स टू वहां से क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। सिमिलरली हमने क्या माना, ए सबसेट ऑफ बी हमने दिया हुआ, और हम जानते हैं बी क्या हमेशा कंटेन करता है, यूनियन में बिलोंग करता है आई एन के, एम स्टार लगाया तो ये कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई। नंबर चार प्रॉपर्टी, इसको मैंने ओपन इंटरवल बना लिया, यानी कि ये किस में बिलोंग करेगा, हमेशा इस ओपन इंटरवल में करेगा। फिर मैंने क्या किया, आउटर मेजर निकाला, आउटर मेजर क्या होगा इसकी लेंथ के इक्वल, ये लेंथ निकाल दी मैंने, ये क्या था मेरा आर्बिट्रेरी था, मतलब ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये मुझे क्या मिला, और लेस देन कभी हो नहीं सकता, लेस देन नहीं हो सकता, तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। अब नेक्स्ट इसमें आगे आती है एक थ्योरम और, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, वो जो अपनी लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी एम स्टार ए इक्वल्स टू एम स्टार ए प्लस एक्स इनवेरियंस इसको बोलते हैं, इसके ऊपर ये अगली थ्योरम अपनी रहेगी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर और कुछ और डेफिनेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।